तो हम लोग के पास 800 फैमिलीज हैं जिसमें चार चिल्ड्रन हैं। अब ये चार चिल्ड्रन कुछ भी हो सकता है, जैसे कि बॉय गर्ल, गर्ल बॉय, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे बोला गया है हाउ मेनी फैमिलीज वुड एक्सपेक्टेड टू बॉयज एंड टू गर्ल्स। पहला नंबर क्वेश्चन है दो बॉय और दो गर्ल। तो सबसे पहली बात, ये बाइनोमियल से बनाएंगे हम लोग। सबसे पहला काम है हम लोग के पास कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पी लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है, पी लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी बॉयज होने का और क्यू लिख लेते हैं गर्ल्स होने का। दोनों सेम होगा, 50-50 चांसेस है, ठीक है। ये क्या है बॉयज के लिए है और ये क्या है गर्ल्स, ठीक है। तो अब क्या करना है हम लोग को, टू बॉयज टू गर्ल्स, इसका मतलब है कि टोटल हम लोग को चार चार चिल्ड्रन है, ठीक है। उसमें से हम लोग को चेक करना है कि गर्ल कितनी है, पहला बॉयज है दूसरा गर्ल है। अगर हम दो बॉय ले लेते तो दो गर्ल लेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग आर को गर्ल ले लेते हैं, ठीक है, गर्ल्स ले लेते हैं, तो गर्ल्स लेने पर क्या मिलेगा हम लोग को, जो हम लोग के पास बाइनोमियल का जो फॉर्मूला होता है वो बोलता है एन सी आर पी टू दी पावर, पी मतलब जो होना है। अगर हम दो गर्ल लिखे, ठीक है, तो गर्ल वाला, तो यहां पर हम क्यू लिख देते हैं, क्यू टू दी पावर आर एंड पी टू दी पावर एन माइनस आर, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो अब क्या होने वाला है, एन एन क्या है, एन फोर है हम लोग के पास, तो ये हो जाएगा फोर सी टू वन बाई टू होल टू दी पावर टू एंड ऑल्सो वन बाई टू पावर टू। तो फोर सी टू फोर फैक्टोरियल, टू फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल इन टू वन बाई फोर इन टू वन बाई फोर, तो ये हो जाएगा हम लोग का, काट देते हैं इसको, ये हो जाएगा फोर थ्री, टू तो कट चुका है, ये वाला टू फैक्टोरियल काट दिए, ये फोर फोर काट देते हैं, ये थ्री हो जाएगा, ये चार दुना 3/8 है, मगर फैमिलीज कितना है 800 है, एक्सपेक्टेड बोला था ना, ठीक है। तो ये तो प्रोबेबिलिटी है कि दो बॉयज और दो गर्ल्स होंगे, ठीक। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू के बारे में बात करें तो ये जो वैल्यू आया है इसको मल्टीप्लाई कर देना है फैमिली से, नंबर ऑफ फैमिली से, तो ये कितना हो जाएगा 300। तो ये फर्स्ट वाला का आंसर हम लोगों का 300 है। बात करते हैं सेकंड नंबर में, सेकंड नंबर के लिए क्या बोला गया है, एटलीस्ट वन गर्ल, तो कम से कम एक गर्ल होनी चाहिए, यही यूज करने वाले हैं हम लोग, सेम चीज रहेगा, बस यहाँ आर चेंज करेंगे, आर का वैल्यू एटलीस्ट वन गर्ल मतलब कम से कम एक गर्ल, तो कम से कम एक गर्ल, फिर दो गर्ल, तीन, चार, चारों के चारों गर्ल हो सकती है, या फिर इसका उल्टा कर सकते हैं, क्या हम लोग ये बोलते हैं कि कम से कम एक गर्ल बोला है, तो हम लोग बात कर लेते हैं ये वन का है, टू का है, थ्री का है। अगर हम लोग इसको छोटा कर ले, उल्टा कर ले, उल्टा कर ले मतलब अगर हम लोग निकाल देते हैं बॉयज का, ठीक है, बॉयज आने का अगर निकाल देते हैं तो उसको क्या करना है, वन से माइनस कर लेंगे तो उल्टा हो जाएगा। तो बॉय होने के चांसेस क्या क्या है, ये है बॉय और गर्ल का, तो निकालते हैं हम लोग बॉय होने के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, फॉर्मूला वही होने वाला है एनसीआर, क्योंकि गर्ल के बॉय के बारे में बात कर रहे हैं, ये सारा क्या है गर्ल्स का है। बॉय होने के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो बॉय मतलब पी और ये क्यू है, आर है, और यहाँ पर हो जाएगा एन माइनस आर। अब आर बॉय के लिए कितना लेंगे, बॉय क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या बोला एटलीस्ट वन गर्ल, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, आर का वैल्यू जीरो ले लेंगे, नो गर्ल, नो गर्ल, ठीक है। तो नो गर्ल के लिए आर का वैल्यू जीरो रखा है, तो एन सी जीरो। गर्ल वाला कौन सा है, क्यू मतलब गर्ल, गर्ल वाला वह 1/2 टू दी पावर जीरो कर देना है। अच्छा ये n का वैल्यू, n का वैल्यू तुम लोग को पता है, n का वैल्यू हम लोग के पास चार, p p क्या है 1/2 होल टू दी पावर, यहाँ कितना होगा r का वैल्यू, r का वैल्यू तो ये जीरो उल्टा हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे लिख सकते हैं, 4-0 कर देते हैं इसको, ठीक है। तो ये 4c0 का वैल्यू होता है 1, और ये 1/2 का पावर 4 है, 2 का पावर 4 हो जाएगा हम लोग का 16, ठीक है। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने से पहले हम लोग क्या किए, अभी निकाले नो गर्ल, मगर चाहिए था क्या एटलीस्ट वन गर्ल, तो इसको वन से माइनस करना पड़ेगा, तो अगर वन से माइनस कर देंगे तो 15/16 हो जाएगा, इसको 800 से इंटू कर लेंगे, तो ये कितना होने वाला है 8 × 2 = 16, 2 से काटेंगे तो 50, 15 × 5 = 75, 750, ये हम लोग का क्या है एटलीस्ट वन गर्ल। नेक्स्ट है हम लोग का थर्ड नंबर, तो हम लोग इसी को चेंज कर रहे हैं, थर्ड नंबर नो गर्ल, अभी जस्ट हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं नो गर्ल का, मगर फिर एक बार और निकाल लेते हैं। नो गर्ल का मतलब है आर इक्वल टू जीरो,
अगर हम लोग नो अगर लेना चाहते हैं तो आर इक्वल टू, अगर हम जीरो लेते हैं तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा, नो नो का मतलब हो गया यहाँ पे 4C0, ये क्यू, क्यू क्या है गर्ल वाला, यानी कि गर्ल नहीं होनी चाहिए, तो ये गर्ल नॉट में चल गया। और पी, पी का वैल्यू क्या है हम लोग के पास, 1/2 ही है, 1/2 टू द पावर 4 हो जाएगा, ये 1 होता है और ये हो जाएगा 1/16, तो ये क्या हम लोग का नो गर्ल, गर्ल नहीं होगी। तो इसको क्या करना है हम लोग को, 1/16 इंटू 800 फैमिलीज है, 8 × 2 = 16, 2 से काटेंगे तो 50, ये हो जाएगा 50। नेक्स्ट आता है फोर्थ नंबर में, फोर्थ नंबर में बोला गया एटमोस्ट टू गर्ल में क्या करना है हम लोग को, ज्यादा से ज्यादा 2 गर्ल, तो ज्यादा से ज्यादा 2 गर्ल, यानी कि हो सकता है R का वैल्यू 2 होगा, 3 भी तो हो सकता है और 4 भी हो सकता है, तो ज्यादा से ज्यादा, अच्छा एटमोस्ट बोला गया था, तो एटमोस्ट में तो ज्यादा से ज्यादा 2 लेना है, तो इसको कम करना होगा, यहाँ पे वैल्यूज क्या होगा, 1 और 0 हो सकता है, मतलब 2 गर्ल होगी या तो 1 या तो 0, ज्यादा से ज्यादा 2 चाहिए, तो नहीं भी हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, तो ये तीनों को निकाल के हम लोग प्लस कर देंगे। तो पहले एक एक करके निकालते हैं, पहला क्या होने वाला है, पहला हम लोग का होने वाला है, अच्छा इसमें हम लोग उल्टा भी कर सकते हैं, यहाँ अगर हम 3 निकाल लें और 4 निकाल लें और उसको उल्टा माइनस कर ले 1 से, तो ये ज्यादा ईजी पड़ेगा, तो हम लोग 3 और 4 कर लेते हैं। 3 निकालने का, पहले 3 गर्ल्स, आर इक्वल टू 3 लेते हैं, एन का वैल्यू तो 4 है ही, तो रूल के हिसाब से अगर चलें हम लोग, तो हम लोग के पास होने वाला है 4C3 इंटू 1/2 हॉल टू द पावर 3, 1/2 हॉल टू द पावर 1, ये वैल्यू जो है हम लोग का पहला हो गया 3 के लिए, ये 3 के लिए, 4 के लिए निकालेंगे तो प्लस करके 4C4 लिखेंगे, 1/2 4 इंटू 1/2 हॉल टू द पावर 0, ये कितना आने वाला है, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 1/, ये हो जाएगा 8 इंटू 1/2 प्लस ये 1 होगा, ये 1/16 हो जाएगा, ये तो 1 ही होता है, तो इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पर बच रहा है 4 और ये बच रहा है 8 × 2 = 16, 16 प्लस 1/16, तो अगर 1/16 कॉमन ले ले तो बचेगा क्या, 4 + 1 यानी कि 5 बचेगा, तो 5/16 क्या है, इसको 1 से माइनस करना होगा तब निकलेगा हम लोग का क्या, ये वाला एटमोस्ट वाला पार्ट, तो ये कितना होने वाला है, 16 - 5 11/16 है। अब इसको 800 से इंटू भी तो करना है फैमिलीज के लिए, ये फिर 800 फैमिलीज था उससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 16 2 हो गया 50, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते 5 × 5 = 0, तो ये हम लोग का आंसर है। ठीक है, बुक में शायद आंसर आगे पीछे करके दिया हुआ है, 3 4 को आगे पीछे कर दिया है, देख लेना है बुक में आंसर। ठीक है।